तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो चुकी है। आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है किचन में, और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको किचन की जैसे भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। तो बस मैंने कहा आज क्यों ना आपके साथ यही शेयर किया जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और आज मैंने बनाए थे नाश्ते में आलू के पराठे। काव्या ने कहा था कि मम्मा मेरे को आलू के पराठे ले जाने हैं, तो मैंने चलो इसके पापा ने भी कहा चलो मैं भी आलू के पराठे ही ले जा लूँगा। रोज़ रोज़ वही है ना, एक ही चीज़ खा खा के भी जो है हम लोग बोर हो जाते हैं, वही सब्जी रोटी सब्जी रोटी। तो मैंने कहा चलो आज आप भी आलू के पराठे ले जाओ, काव्या भी आलू के पराठे ले जाएगी। तो चलिए बस। तो बाकी जो है ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए थे, स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए थे। तो बस मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो बर्तन मैंने जो है एक साथ ही, मैंने सोचा एक साथ ही आज वॉश करूंगी, नहीं तो बार 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 ना एक एक करके तो बर्तन धुले नहीं जाते। हालांकि ज़्यादा हो जाते हैं, पर यह है कि एक साथ धो दो तो वही सही रहता है, पानी की भी बचत होती है इससे। तो देखो मैंने जो है सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैं करूँगी गैस क्लीनिंग। सुबह अगर नहा भी जाओ ना तो भी देखो कितना पसीना हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं क्या ही बताऊंगा। चलो बर्तन धो लेते हैं फटाफट से। तो जी ये देखिए क्लीनिंग जो है, बर्तन जो है मेरी वॉश हो चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं गैस साफ करने के लिए। तो गैस मैंने जो है पहले हमेशा जो है मैं चाहे मैं रोटी बनाऊं, चाहे सब्जी बनाऊं, चाहे ऑयली बनाऊं, चाहे ना बनाऊं, बट मेरा क्या होता है कि मैं रोज़ पहले साबुन से जूने से अच्छे से पूरा गैस चूल्हा और स्टेप जो है पूरा साफ अच्छे से उससे रगड़ देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ा जो है वॉश कर लेती हूँ कपड़े से, फिर मैं चूल्हे पर जो है थोड़ा सा एक गिलास पानी लेती हूँ, उससे थोड़ा सा धो देती हूँ। स्टील का है ना, तो अगर धो भी दो तो कोई नुकसान नहीं है ना, कोई इसमें जंक लग रहा है, कोई लोहे का स्टील का है तो इस वजह से, तो इस उससे पानी से अगर थोड़ा सा वॉश कर दो ना तो अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और इसी वजह से जो है मेरा चूल्हा भी जो है बहुत चमका रहता है। तो बस मैंने जो है यहाँ पे सारा फटाफट फटाफट जो है बाकी जो है चूल्हा भी साफ कर लिया है। साथ में जो है बर्तन भी जो है मैं इसी कपड़े से साफ कर लेती हूँ, जैसे किसी में कुछ दाग वाग या हाथ लग जाता ना आटे वाटे का, तो वो भी मैं जो है इस तरह से साफ कर लेती हूँ। तो इसी वजह से जो है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन में काम करने में, क्योंकि जो है अगर हम डेली डेली अगर साथ के साथ साफ करते रहे ना सब चीज़ें, तो हमें स्पेशल कोई साफ नहीं करना पड़ता। तो देखिए बस मैंने जो है पूरा किचन जो है अपना क्लीन कर लिया है। अब मैं आऊँगी यहाँ पर सिंक धोने के लिए। बस सिंक मेरी रहती थी, मैंने सोचा पहले यहाँ पे कपड़ा धोना पड़ता ना बार बार गैस साफ करते टाइम, तो इसलिए मैंने साथ के साथ बाद में कर दूंगी। तो बस मैंने यहाँ पे अब सिंक भी धो लिया है। बस मेरे किचन के ऊपर का जो है पूरा साफ हो चुका है। मैं नीचे जो है फर्श, मेरी किचन भी छोटी है तो इतना स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए मैं फर्श भी जो है पानी से ही धो के ही वॉश करती हूँ, ताकि जो है मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो जाए। और आपको पता है पोछा और झाड़ू लगा लो या वाइपर मार लो जितना मर्जी, बट जो है कि जो चीज़ चमक धोने से आती है, बट वो मेरे को लग रहा ना कि पोछा लगाने से या झाड़ू लगाने से भी नहीं आती होगी। तो इसलिए मैं जो है मैं अपनी किचन में तो रोज़ ही पानी से धो देती हूँ, कि थोड़ा सा ही है ना, अगर ज़्यादा बड़ी किचन हो तो लगता है कि चलो छोड़ो आज क्या करना है, कभी कभार कर लेंगे, है ना। बट क्या है कि मेरी किचन तो देखो छोटी सी है, तो मैंने इसलिए जो है पूरा अच्छे से धो के ही साफ कर देती हूँ नीचे भी और ऊपर भी। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि मैं देखो किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है पूरी। देखो पहले देखो और बाद में देखो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी पूरी किचन जब क्लीन हो जाती है ना, तो मन को एक कहीं ना बहुत ही शांति और सुकून मिलता है इस तरह से देख के। और जब फैली रहती है ना उस टाइम, तो किचन में घुसने का मन ही नहीं करता है। आप लोगों में से कितने जनों को ऐसा लगता हो। तो मैं बस देखो यहाँ पे पाइप भी लेकर आ गई हूँ। किचन मेरी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो बस मैं इस तरह से ही पानी से ही थोड़ा वॉश कर लेती हूँ। अगर मेरी किचन थोड़ी बड़ी होती ना तो शायद मैं भी आलस कर देती कि छोड़ो कौन रो रोज़ धोए, है ना। बट यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है ना, तो बस थोड़ी सी जगह में, इसलिए मैं जो है ऐसे ही पाइप लगा के और धो लेती हूँ। क्योंकि जो है आटा वाटा भी जैसे कभी गिरा रहता है ना, तो झाड़ू लगाने से क्या होता है कि ना कोनों कोनों में फंस जाता है, तो वहाँ पर काला काला सा जम जाता है।
तो इस वजह से जो है मैं देखो अच्छे से पानी से मैंने पाइप लगा लिया और देखो पानी से अच्छे से मैं धो रही हूँ और अच्छे से जो है किचन मेरी क्लीन हो चुकी है।